हेलो। तो अभी हम लोग बात करेंगे एंडोक्राइन सिस्टम में, इसके बारे में, ग्रोथ हार्मोन के बारे में। तो ग्रोथ हार्मोन क्या होता है, नाम से पता चल रहा है ग्रोथ। तो इसमें इसका हम लोग मैकेनिज्म देखेंगे, ग्रोथ हार्मोन कैसे टिश्यू पे एक्ट करता है। तो पहले जो ग्रोथ हार्मोन है, ये करता है डायरेक्ट, डायरेक्ट क्या करता है, टिश्यू के सेल के रिसेप्टर पर जाएगा और वो ग्रोथ कराएगा। और दूसरा क्या करेगा, जो ग्रोथ हार्मोन है कहाँ जाएगा, लीवर पे जाएगा, लीवर पे जाएगा। उसके बाद तो लीवर लीवर क्या रिलीज करेगा, सोमैटोमेडिन, क्या करेगा, सोमैटोमेडिन। तो सोमैटोमेडिन क्या होता है, आईजीएफ, इंसुलिन, आईजी इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर। तो ये क्या करता है, ये जो है वो ग्रोथ को रिलीज कराता है और टिश्यू को, टिश्यू और ग्रोथ, टिश्यू का क्या करता है, ग्रोथ। तो जैसे आपको भी याद रखना है कि जो इंसुलिन है, इंसुलिन किससे निकलता है, ये तो आपको पता ही होगा, पेनक्रियास से। लेकिन इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर किससे निकलता है, लीवर से। तो जो ये टिश्यू ग्रोथ हो रहा है, वो इन्फ्लुएंस किससे हो रहा है, ग्रोथ हार्मोन से। लेकिन उसे मीडिएट कौन कर रहा है, सोमैटोमेडिन। तो मीडिएट काम कौन कर रहा है, सोमैटोमेडिन। तो जैसे मान लीजिए ग्रोथ हार्मोन का डिफिशियंसी हुआ, क्या हो गया, ग्रोथ हार्मोन का डिफिशियंसी हो गया, तो वो क्या होगा, जो बच्चा होगा वो रिटायर्ड हो जाएगा। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, ऐसा क्या होता है कि ग्रोथ हार्मोन नॉर्मल है, क्या है, ग्रोथ हार्मोन नॉर्मल है और बच्चे में रिटार्डेशन हो रहा है, क्या हो रहा है, ग्रोथ रिटायर्ड हो रहा है। तो इसका मतलब ग्रोथ हार्मोन कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सोमैटोमेडिन रिलीज अच्छे से नहीं हुआ है, तो उससे भी क्या हो सकता है, बच्चा का ग्रोथ रिटार्ड हो सकता है। तब हम लोग बात करते हैं जो ग्रोथ हार्मोन है वो कौन कौन से ग्रोथ को पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। तो पहले समझते हैं ग्रोथ, ग्रोथ जो होता है एक बॉडी में, हुमेन में, वो कितने तरह का होता है। तो एक होता है फिजिकल, फिजिकल ग्रोथ, दूसरा मेंटल ग्रोथ, और तीसरा क्या हो जाएगा, सेक्सुअल ग्रोथ। तो अब हम लोग हार्मोन देख रहे हैं कौन कौन हार्मोन इफेक्ट करता है, जैसे ग्रोथ हार्मोन फिजिकल ग्रोथ पर, जैसे बोन हो गया, मसल्स हो गया, कॉर्डिटिव टिश्यू हो गया, ठीक है, और मेंटल और सेक्सुअल। तो इसमें लिटिल रोल करता है, लेकिन थायरोक्सिन क्या करता है, तीनों में करता है। तो जैसे दोनों में आएगा, तो दोनों में जैसे ग्रोथ हार्मोन हो गया, थायरोक्सिन हो गया, अगर दोनों पैसेंट है ग्रोथ हार्मोन का, क्योंकि दोनों में रिटार्डेशन होगा, लेकिन दोनों में अंतर होगा, प्राइमरी क्या अंतर होगा, मेंटल रिटार्डेशन का। अगर थायरोक्सिन का होगा तो क्या अंतर होगा, मेंटल रिटार्डेशन का, ओके। और क्या होगा, जैसे ग्रोथ हार्मोन का रिटार्डेशन, तो उसको बोलते हैं पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म, क्या बोलते हैं, पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म, क्या बोलते हैं, पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म, ठीक। तो उसमें क्या होगा, जो विसरल ऑर्गन की ग्रोथ होगा, उसी उसके बॉडी के साइज के अनुसार ग्रोथ होगा, ठीक है। लेकिन थायरोक्सिन में क्या होगा, थायरोक्सिन में क्या होगा, जो विसरल ग्रोथ है वो नॉर्मल होगा, और लेकिन उसका जो जो चाइल्ड होगा उसका साइज छोटा होगा, तो उससे क्या होगा, प्रोट्यूबरेंस आ जाएगा बेलिया, जैसे विसरल ऑर्गन, उसको बोलते हैं प्रोट्यूबरेंस, बेलिया प्रेस हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया। और क्या होता है, अगर हाइपोसिक्रीशन हो जाएगा, अगर ग्रोथ हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड का, उसको बोलते हैं पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म। तो उससे क्या होगा, अगर कमी हो जाएगा, तो जैसे देखे होंगे मिडगेट्स, जो जो किस पे काम करते, सर्कस पे काम करते, वो देखे होंगे। अगर मान लीजिए ज्यादा सिक्रीशन हो गया, अगर ग्रोथ हार्मोन का क्या हो गया, हाइपर सिक्रीशन, क्या हो गया, हाइपर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। तो हाइपर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन का हो गया, तो अगर ग्रोइंग एज में है तो उसको बोलते हैं डिजास्टिज्म, ठीक है, और एडल्टहुड में है तो उसको बोलते हैं एक्रोमेगैली। तो जैसा कि ये दोनों है, डिजास्टिज्म और एक्रोमेगैली, वो किसमें दिखाया गया था, एक रेसलर थे भारत के, मतलब अभी भी है, सॉरी, खली, दोनों दिखाया गया था, क्योंकि उनका मैंडिबल चीक ये चौड़ा था और हाइट भी ज़्यादा था, ठीक है। लेकिन अगर थायरोक्सिन की कमी से हो रहा है, तो कौन सा डिजीज होता है,
उसको क्या बोलते हैं, हाइपरसेक्रेशन, इससे भी छोटा होगा लेकिन इसको बोलते हैं क्रेटिनिज्म। तो दोनों में अंतर क्या होगा, हमने बता दिया, प्राइमरी डिफरेंस क्या होगा, मेंटल रिटार्ड होगा। तो यहां तक आपको कोई दिक्कत समझने में, ठीक है? और इसको रफ कर देते हैं, जो पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म होता है उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एटियोलोसिस। क्या बोलते हैं, एटियोलोसिस, ठीक है? तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं। और ये जो बताए थे हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, तो ये जो लीवर वाला था वो क्या था, इनडायरेक्ट। जो इसमें क्या होता है, मैक्सिमम एक्शन किससे होता है, इनडायरेक्ट से होता है। अब हम लोग देखेंगे मेटाबॉलिज्म एक्शन ऑफ क्या ग्रोथ हार्मोन कैसे होता है। तो मेटाबॉलिज्म एक्शन ऑफ ग्रोथ हार्मोन तो किस पे एक्ट करेगा, कार्बोहाइड्रेट पे, ठीक है, और लिपिड पे और प्रोटीन पे। तो प्रोटीन पे तो एक्ट करेगा ना, क्योंकि क्या होता है, क्योंकि इसमें ग्रोथ में क्या होता है, मसल्स ग्रोथ होता है, मसल्स ग्रोथ, बिजनेस ऑर्गेनिक ग्रोथ होता है, उसमें क्या होगा, प्रोटीन का एनाबोलिज्म होगा। क्योंकि प्रोटीन का एनाबोलिज्म होगा ही नहीं तो फिर कैसे ग्रोथ होगा। तो इसका मतलब प्रोटीन का एनाबोलिज्म होगा। क्योंकि क्यों ऐसा बोल रहे हैं, क्योंकि आपको पता है बिल्डिंग ब्लॉक कौन होता है, प्रोटीन होता है, इसीलिए प्रोटीन का तो हो गया। अब कार्बोहाइड्रेट और लिपिड में आ रहे हैं। तो जैसे जब बॉडी ग्रोथ कराना है तो उसमें क्या होगा, सेल डिवीजन होगा, तो मैक्सिमम एनर्जी चाहिए, क्या चाहिए, जो ग्रोथ हार्मोन क्या करता है, ग्रोथ हार्मोन क्या चाहिए, ग्रोथ हार्मोन क्या चाहिए, वो क्रिएट करता है मैक्सिमम एनर्जी। तो सबसे ज्यादा एनर्जी किससे मिलेगा, ये आप हमको बताइए, किससे मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट से मिलेगा या लिपिड मतलब फैटी एसिड से मिलेगा, ऑब्वियसली किससे मिलेगा, एटीपी सबसे ज्यादा किससे मिलेगा, फैटी एसिड से मिलेगा। तो वो क्या करेगा, उसके लिए क्या करेगा, लेकिन किससे मिलेगा, लिपिड से मिलेगा, फैटी एसिड टूटेगा तो। लेकिन ये जब दोनों अवेलेबल होगा, कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज अवेलेबल है बॉडी में और क्या अवेलेबल है, फैटी एसिड, तो सेल किसको लेना चाहेगा, पहले ग्लूकोज को लेना चाहेगा ना। लेकिन ग्लूकोज क्या करता है, सॉरी ग्रोथ हार्मोन क्या करता है, इसको ग्लूकोज ऑप्टेक को कम कर देता है, किसमें, सेल में, तो सेल में ऑप्टेक कम कर देगा तो क्या होगा, तो हाइपरग्लाइसेमिया हो जाएगा। हाइपरग्लाइसेमिया होगा तो उससे क्या होगा, ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा, उसको बोलते हैं जो भी अगर ग्लूकोज को बढ़ा रहा है तो उसको बोलते हैं हाइपरग्लाइसेमिया, डायबिटोजेनिक हार्मोन, ठीक है। तो इसको नहीं लेगा तो फिर किसको लेगा, लिपिड को करेगा, और उसके साथ साथ क्या करेगा, ग्रोथ हार्मोन लिपिड को लाइसिस कर देगा, लिपोलाइसिस, क्या करेगा, लिपोलाइसिस, क्या करेगा, लिपोलाइसिस, ओके। जब लिपोलाइसिस करेगा तो उसे क्या बनेगा, फैटी एसिड फूटेगा ना, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल, ठीक है, फैटी एसिड होगा, इसको ब्रेक करेगा, लिपोलाइसिस करेगा कौन, ग्रोथ हार्मोन करेगा, क्योंकि डिमांड है ना, हाई एनर्जी रेशियो का डिमांड है। तो इसीलिए क्या करेगा, कार्बोहाइड्रेट को यानी ग्लूकोज को सेल को लेने से अपटेक करेगा, रुकेगा और लिपोलाइसिस करेगा, क्योंकि हाई एनर्जी डिमांड है एटीपी, इसलिए काम करेगा। तो अगर आप देखे होंगे, क्या देखे होंगे, कि जो ग्रोइंग एज में बच्चा होता है वो अधिकतर, मोस्टली का बात कर रहे हैं, जनरली का बात कर रहे हैं, एक्सेप्शन यहाँ पे बात नहीं कर रहे हैं, जनरली क्या होते हैं, जो ग्रोइंग एज में होते हैं वो स्लिम होते हैं, ठीक है, वो कैसे होते हैं, पतले दुबले होते हैं, क्योंकि उस समय फैटी एसिड का ज़्यादा यूज होता है। और जैसे मतलब 30 एज में, उस समय क्या होता है, ग्रोइंग एज खत्म हो जाता है 20 प्लस 25 के बाद, तो अधिकतर कैसे मिलते हैं, थोड़ा हेल्दी लोग मिलते हैं। तो कैसा लगा आपको ये ग्रोथ हार्मोन वीडियो, अगर आपको अच्छा लगा हो तो क्या करना है, चैनल को लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है और दोस्तों को शेयर भी करना है। धन्यवाद।